नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में सुशील शुक्ल द्वारा लिखित मार्च नामक संस्मरणात्मक लेख की कुछ भाग पढ़ा। बचपन में परीक्षा के दिनों में किताबें हाथों में लिए सोए हुए दिनों की याद है। इसमें मार्च के महीने में किताब के दो पन्ने पलटते ही नींद आंखों में आ जाती थी, तब आंखों बंद कर पढ़ने की इच्छा मन में आती थी। उन दिनों पढ़ने के लिए बहुत था। लेखक के घर के सामने नीम का एक पेड़ था। गिलहरियों और कौओं से भरे इस पेड़ के नीचे बैठकर वे पढ़ते थे। उस समय किताब में पेड़ से पीली पत्ती गिर जाती थी। तो बच्चों, मार्च नामक लेख की अंतिम भाग में आइए। मैम पत्ती को देखता रहता, उसके पीले रंग को कई सवाल मन में आता। क्या पीले रंग के नीचे सरूर पत्ती अभी भी हरी होगी? काफी लगता शायद हरा रंग ही पीले में बदल गया है। पत्ती पीली हो गई इसलिए गिरी या उसे गिर जाना है इसलिए पीली हो गई। मार्च की हवाएं पन्नों के दरवाजे फटफड़ा देती। हम उन्हें ज़्यादा इंतज़ार न करवाते और पत्ती को उन जल्दबाज हवाओं के हवाले कर देते। वे पत्ती को अपनी डाली में टाक कर रफ्यू चक्कर हो जाती। मार्च अपने पलाश में गुम यह सब कुछ देखता रहता। नए शब्द, सवाल क्वेश्चन, दरवाज़ा डोर, हवा विंड, जल्दबाज हेस्टी, रफू चक्कर एस्केप, गुम डिसअपीयर, इंतजार करना टू वेट। मैं पुस्तक पर गिरती पत्ती को देखता रहता, तब मन में कई प्रश्न आता था। यह हरी पत्ती कैसे पीली बन गई? पीले रंग के नीचे पत्ती अभी भी हरी होगी और सोचता है शायद हरा रंग पीले बदल गया है। पत्ती पीली हो गई इसलिए गिरी या गिरने के लिए हरा पत्ता पीली हो गई। मार्च की हवा पुस्तक के पन्नों को फटफड़ाती थी। हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और पीली पत्ती को तेजी हवा में उठने को देते हैं। वे पत्ती अपनी डाली से टाक कर कहीं जाते हैं। मार्च पेड़ में घूमकर सब कुछ देखता रहता था। यह एक प्रश्न है, पत्ती पीली हो गई इसलिए गिरी या उसे गिर जाना है इसलिए पीली हो गई? इस वाक्य के अर्थ पर चर्चा करें। पत्ता हरा होता है, पत्ते पीले पड़ते समय ये गिर जाते हैं। गिर जाने वाले पत्ते पीले हो जाते हैं। इससे मानव की तुलना भी कर सकते हैं। बुढ़ापे में मानव भी रोगी और दुर्बल हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मार्च आर्टिकल इज रिटन बाय सुशील शुक्ल। इट इज़ ए रिमाइंडर ऑफ द डेज व्हेन द ऑथर स्लेप्ट विथ ए बुक इन हिज हैंड ऑन एग्जामिनेशन डेज। इन द मंथ ऑफ मार्च I used to read books by sitting under the neem tree. The yellow leaf of neem tree had been fell over the books. At that time, I used to look at that leaf. Then the mind filled with number of questions. Whether the opposite side of the yellow leaf is green or yellow in color, sometimes I had been thought that it was the green color that changed to yellow color. The leaf fell as it is yellow color, or it became yellow before it falls. The wind in the month of March had been closing the doors of book. We didn't give a chance to hope. We sent the leaf with the fastly blowing wind. It had been ran away by hanging the leaf on the branch. The March had been watching all this by taking away the greenery of the leaf. तो बच्चों, सुशील शुक्ल द्वारा लिखित मार्च नामक संस्मरणात्मक लेख यहाँ खत्म हो चुकी है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।